देखिए ध्यान से, इसके पहले मैंने क्या बताया, एमसीबी के बारे में बता चुका हूँ है ना, और छोटी मोटी वायरिंग मैं करा चुका हूँ ठीक। तो आज जो वायरिंग करेंगे वो हम चार कमरों की एक साथ वायरिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वायरिंग डायग्राम ऑफ फोर रूम विथ चेंजर मीटर एंड एमसीबी, यानी इसमें जो हम प्रयोग करेंगे चार कमरों की वायरिंग करेंगे उसके साथ में चेंजर हम लगाएंगे और हम मीटर लगाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक मीटर है जो कि आपको बताएगा कितनी आपका विद्युत कंज्यूमर है ठीक ना, यानी जो आपका लगाया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से वो आपका है मीटर। यहाँ पे आपका देखिए ये डबल पोल की एमसीबी है और ये बाकी सिंगल पोल की एमसीबी है। डबल पोल की एमसीबी को हम डीपी एमसीबी बोलते हैं, यानी कि डबल पोल एमसीबी। यहाँ पे मैंने 32 एम्पीयर तो 16 एम्पीयर लगा सकते हैं, यहाँ मैंने 8 एम्पीयर की एमसीबी लगाई है सारी सारी ठीक ना। इनके द्वारा हम चार कमरों की वायरिंग करेंगे, इसमें हम चार एमसीबी लगाए हैं। यहाँ पे आपका चेंजर है, चेंजर का जो काम होता है सप्लाई को चेंज करने का काम करता है ठीक ना। यहाँ पर आपका देख रहे हैं ये आपका एक रूम का है, एक रूम हर रूम में सेम यूनिट लगाया हुआ है, तो एक रूम का हम बता देते हैं बाकी का सेम ही होगा। एक रूम में आप देख लीजिए एक फ्यूज लगाया मैंने, एक बल्ब और एक बल्ब होल्डर लगाया है, उसके साथ में आपका एक इंडिकेटर लाइट है, यहाँ पर ब्लूटूथ सॉकेट और ये जो तीन है ये आना स्विच है, एक रेगुलेटर है ठीक ना, और ये इसमें फैन लगेगा। ये सारे सारे उपकरण आपके इसमें हैं जिनका हमें कनेक्शन करना है, लेकिन चार रूम का एक साथ। तो इस तरीके से होगा, इसको हम देखेंगे इस तरीके से आपकी जो वायरिंग होती है की जाती है घरों में। चलिए इसको बराबर करके देखते हैं कहाँ से कहाँ जाएगा कनेक्शन, उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो आपकी स्ट्रिप लगी होती है चेंजर में, स्ट्रिप होती है तो ठीक ना, इस स्ट्रिप में कनेक्शन कभी भी किया नहीं जाता है, यानी कि जो हम सप्लाई लेके आएंगे इसमें डालेंगे नहीं, ये सप्लाई लोड के लिए होता है ठीक ना, यानी कि ये आउटपुट होता है, इसमें से हम आउटपुट करके सप्लाई को ले जाएँ कनेक्शन करने के लिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो आपका फेज आएगा मीटर के एक सिरे में इनपुट होगा ठीक ना, और जो न्यूट्रल आएगा मीटर के दूसरे सिरे में इनपुट होगा। उसके आने में लिखा होता है कि ये आपका फेज वाला है और ये आपका न्यूट्रल वाला है, उसमें आपको इनपुट कर देना होता है, और अक्सर इनपुट करना नहीं होता कि वो लोग आते हैं ना करके आपको सप्लाई दे के चले जाते हैं ठीक ना, तो ये आपको करना नहीं होता है, उसमें मिल जाता है करा कराया। तो आपने अगर इसमें फेज इनपुट किया तो यहाँ से आपका फेज आउटपुट होगा ठीक ना, जब यहाँ से फेस आउटपुट होगा तो इसको लाना है आपको चेंजर के इस सिरे में। तो उधर भी इस सिरे में कनेक्शन नहीं करना है, जिससे जब स्ट्रीप हो मैं स्ट्रीप का जो होगा वीडियो में इसको बता दूंगा, ये आपका चेंजर दिखा दूंगा कैसे होता है इसे, बाकी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए इसके बाद से जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल यहाँ से हम साफ करेंगे, हाँ न्यूट्रल यहाँ से साफ करके हम इसमें कनेक्ट कर देंगे ठीक ना। इसके तो हमने यहाँ फेज दिया और यहाँ पर न्यूट्रल, इन दोनों को छोड़ देंगे लोड के लिए ठीक ना। ये आपका डीपी यानी कि जनरेटर का फेस है, जनरेटर के फेस को हम लेके आएंगे इसके सिरे में लगाएंगे ठीक ना, और जो आपका जनरेटर का न्यूट्रल होगा उसको अगले सिरे में लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है कि स्ट्रिप होती है ठीक है, जैसे कि ऊपर का है तो जो इसकी स्ट्रिप होगी इस तरीके से इसको प्रयोग होती है, यानी कि ये वाला सिरा इस तरीके से होकर यहाँ से होकर इस तरीके से ज्वाइंट होता है इसमें ठीक ना, यानी कि ये जो है ये वाला फेस यहाँ से होके इस तरीके से होके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हमारे लोड के लिए यहाँ से लोड को निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ से लोड के बाहर निकाल सकते हैं ठीक ना। सेम इस तरीके से इसकी नीचे स्थिति होगी यहाँ से इस तरीके से इसके ठीक ना, यदि हम इसको नीचे करेंगे तो ये दोनों जो स्ट्रिप है यहाँ पे इस पे चिपक जाएंगे ठीक ना, यानी कि ये वाली स्ट्रिप इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, देख लीजिए ध्यान से इस तरीके से हो जाएगी ठीक ना, यानी कि इस तरीके से स्ट्रिप हो जाएगी, यही ये वाले सीधा नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो फेस है ये इस पे आके यहाँ से जनरेटर का फेस वहाँ पे जाएगा और ये वाला न्यूट्रल इस तरीके से होकर जनरेटर का न्यूट्रल बाहर जाएगा ठीक ना। इस वाले में हमेशा ये दोनों के लिए काम करता है, बाई चांस आपने इसमें कनेक्शन दिया जैसे नीचे करेंगे लाइट आएगी और इसका फेस दोनों आपस में क्या जाएगा शॉर्ट जाएगा ठीक ना, इसको हम नहीं करेंगे। हाँ ये नीचे होता है ऊपर, जब जनरेटर करना होता है नीचे कर देते हैं, जब लाइट करना होता है तो ऊपर कर देते हैं, जब ऑफ करना होता है बीच में रख देते हैं ठीक ना, ये इसके बीच में जरूर पड़ी रहती है। वायरिंग देख लेते हैं, वायरिंग में फटाफट वायरिंग कनेक्शन करते हैं किस तरीके से।
फ्लोर का आपको ध्यान इसमें तो आपके यहाँ से दोनों बात सेम ही होगी ठीक ना। अगर यहाँ से साफ करेंगे सीधी बात वही होगी, यहाँ से साफ करके बात वही, जहाँ से आपको आसान लगता है वहाँ से साफ करिए, दोनों तरफ लोड ले सकते हैं। तो हम किसी भी तरफ लोड लिए हैं, अब यहाँ से हम लेकर चले जाते हैं फेस एमसीबी के डीपी एमसीबी में, न्यूट्रल और फेस दोनों जाएगा डीपी एमसीबी में ऊपर से देते हैं ना
जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाश हूँ मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को हंसना भी जो हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में जितने भी आपके तार दिख रहे हैं ना, ये तार ज्यादा हो जाते हैं तो ये पाइप होते हैं, सबके लिए पाइप होता है। यहाँ पे आपके रूम में इंजेक्शन बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं एमसीबी बॉक्स, ठीक ना। एमसीबी बॉक्स होता है, एमसीबी बॉक्स में आप खाने बने होते हैं, उसमें चार पाइपें पड़ेंगे, ठीक है। टोटल पाँच पाइपें पड़ेंगी, एक से आपका मेन सप्लाई का वायर आएगा जो आपका डीपी एमसीबी जाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा, निकलने के बाद आपका चिकन कहाँ चला जाएगा आपके सारे के सारे सीरो में जो फेस होगा, ठीक ना। यानी सिंगल फोर में उसी में सारे के सारे सीरो में जाएगा, और यहाँ से चार पाइपें आपकी निकलेंगे जो ऊपर होकर चारों रूम के पास जाएंगे, ठीक ना। पाइप को कैसे फैलाया जाता है इसका मैं आज एक वीडियो बना चुका हूँ, बाकी एक बार आप लोगों को बता दूँगा किस तरीके से पाइपें छत में डाली जाती हैं अथवा रूम में डाली जाती हैं, तो पाइपें कैसे फैलाई जाती हैं वो भी बता दूँगा। वायर कैसे जाता है वो बता दूँगा, वायर के प्रकार कितने होते हैं तो बता दूँगा, बाकी वायरिंग वायर कितना बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो चलिए अब इसमें क्या होगा, हम चार पाइप डालेंगे तो एक पाइप एक कमरे में, दूसरी पाइप दूसरे कमरे में, तीसरी पाइप तीसरे कमरे में, और चौथी पाइप चौथे कमरे में होगी, ठीक ना। होगा क्या, पहले कमरे में हमारा जाएगा तो पहले कमरे में R1 का फेस और यहाँ से एक न्यूट्रल, ठीक ना, पहले कमरे में जाएगा। बाकी कनेक्शन का जो प्रोसेस होता है सेम जो मैंने बताया अभी, फेस जो होगा आपके कटआउट लगा तो कटआउट में आएगा, कटआउट से निकलकर सारे स्विचों में चले सिरे में, और डायरेक्ट जो फेस चीज होगा आपका यहाँ पर रेगुलेटर के पास चला जाएगा, ठीक ना। इसके बाद से आपका यहाँ से इसको दे देंगे, यानी किससे चलाना चाहते हो उसको आप देंगे, तो यहाँ से मैं स्विच से इसको चला रहा हूँ, यहाँ मैंने दे दिया, यहाँ से बंद हो जाएगा कनेक्शन, और यहाँ से फैन, ठीक ना। तो प्रोसेस सेम होता है, बस आपको पाइपों में वायर फेस और न्यूट्रल लेकर आना है, उसको कनेक्शन करना है। जब उस रूम में आ जाएगा उस रूम से आप क्या करेंगे कनेक्शन उस कमरे का पूरा करेंगे, जो भी लगा होगा उस हिसाब से कनेक्शन कनेक्शन में करना बताया है। आप बस तार लेकर आइए फेस और न्यूट्रल, आपको क्या याद रखना है फेस न्यूट्रल उस कमरे में प्रवेश कराना है, बाकी उस कमरे की वायरिंग करनी है, और जहाँ जहाँ जो सप्लाई चाहिए वहाँ वहाँ भेजना है। ये वैसा नहीं फैन आपको फैन पाइप के थ्रू बीच में होगा ना, तो यहाँ तक आपको एक न्यूट्रल रहेगा और एक फेस आपका जाएगा, ठीक है। का एमसीबी जिसको हम बोल एमसीबी बॉक्स वाला बोर्ड, ये आपका मेन बोर्ड है, ठीक ना। और ये आपका मीटर और ये आपका चेंजर हो गया, इधर से आपका एक रूम कमरे की वायरिंग, ये फर्स्ट रूम चार यहाँ पे दिखाऊं मैं, और ये आपका हो जाएगा रूम फर्स्ट, इस तरीके से रूम सेकेंड और रूम थर्ड। वायरिंग का प्रोसेस सबका सेम ही है, तो सेम बेस पे करेंगे, बस तार को लेके जाना होता है, कनेक्शन करने होते हैं, मैं कनेक्शन पहले ही बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस पे वायरिंग करेंगे।